सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सालू नेगी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपनी एक और नई वीडियो में। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आज का मौसम मैं आप लोगों को दिखाऊं तो अच्छी सी धूप लगी हुई है, अच्छा सा मौसम हो रखा है। अभी हम लोग आ रखे हैं दौला के खेतों में धान की गुड़ाई करने। माँ तो ना मेरे से पहले आ गई थी तो माँ ने आधा से ज़्यादा खेत की गुड़ाई कर दी है और मैं अभी अभी आ रही हूँ पानी और रोटी लेके। बाकी मैं भी करती हूँ गुड़ाई और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि तब बाद में ना बहुत तेज़ धूप होती है और काम करने का मन नहीं करता है। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिए। हमारे खेत में ना बहुत सारे तिल के पौधे हो रखे थे जो कि माँ ने उखाड़ के ना यहाँ रास्ते में डाल रखे हैं। बहुत ही ज़्यादा तिल के पौधे हो रखे हैं और धान बिल्कुल कम हो रखी है। सुबह के 9:10 हो रहे हैं और हम लोगों ने ना 3 खेतों की धान की गुड़ाई कर दी है और अभी लास्ट खेत में हम लोग आ रखे हैं और इस खेत की भी गुड़ाई कर लेते हैं। और वैसे हमारे खेतों में ना धान नहीं उगी हुई है, बहुत कम धान हमारे खेतों में उगी हुई है। दोस्तों हम लोगों ने खेतों में धान की निराई गुड़ाई कर दी है और अब घर चलते हैं। 10 बज चुके हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, इसलिए हम थोड़ी देर छाए पर बैठ के जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा हमने जूस भी ला रखा था तो वहाँ जूस पी ली है। बाकी अब चलते हैं घर की ओर। रास्ते में एक काफल का पेड़ है तो मैंने काफल निकाले। मेरे पास पन्नी तो नहीं थी इसलिए मैंने अपनी चुन्नी में काफल निकाले। तो दिन के 11 बज चुके हैं और मैं घर पहुंच गई हूं और काना खाना बनाने की तैयारी कर रही है। चावल काना दाल काना ने चूल्हे में रखी हुई है और चावल और सामान खाना बनाने का सामान यहां पर ला रखा है। दोस्तों शाम के लगभग 6 बज रहे हैं और हम लोग आ रखे हैं घास काटने, बोले तो पेड़ से खड़े काटने। और माँ गई हुई है पेड़ पे, मैं बैठी हूँ यहाँ पे। हाँ मैं बैठी हूँ यहाँ पे बस। पेड़ से माँ ने घास काट दिया है और अब मैं इसको ना इकट्ठा कर लेती हूँ। बाकी दोस्तों घास का पुआल लेके चलती हूँ मैं गौशाला की ओर। गौशाला से घर आके ना मैं अपने सगड़े में आ गई हूँ और मैंने निकालनी है रात की सब्जी के लिए यहाँ से बीन्स। तो देखती हूँ हो रखी हैं या नहीं हो रखी हैं। 1-2 बीन्स ना सभी पौधों पर लगी हुई हैं और फूल भी अब लग रहे हैं। और हमने ना यहाँ पर जो प्याज लगाए थे ना वो प्याज कुछ ऐसा हो रखा है, ये देखिए।
ये और रखा है प्याज। दोस्तों मैंने अपने सगड़े से ना सब्जी निकाल दी है और इतनी सब्जी मैंने निकाली है और ये प्याज निकाला है। बाकी चलते हैं घर की ओर और खाना बनाने की तैयारी करते हैं।